होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ शेयर करने के लिए। तो अभी मैं आज जो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल रेसिपी, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो क्रैब तो आप सभी लोगों ने खाई होंगी कम ज़्यादा, तो मुझे भी काफ़ी पसंद है क्रैब्स। तो रेस्टोरेंट में ये क्रैब्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती है, आप लोगों ने काफ़ी सारी रेसिपीज़ खाई होंगी। तो मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, होपफुली अच्छा होगा। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप मैं बनाऊंगी और सारा का सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर से बने रहना और वीडियो को देखते रहना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास मेरा छोटा सा बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मेरा ये वीडियो आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट में आके बताना कि कैसा बना है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं एक एक करके क्रैब्स निकाल लूँगी, अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले तो मैं क्रैब्स के पैर तोड़ने पड़ेंगे ताकि ये भाग ना पाए और साथ ही साथ काट भी ना पाए। तो ये लोग बहुत ज़रा काटते हैं, तो काफ़ी सावधानी से आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे हम हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, तो किसी चीज़ की मदद से पकड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में इसके एक एक करके सारे पैर तोड़ लेने पड़ेंगे फर्स्ट, और उसके बाद में मुंह पर थोड़ा सा किसी चीज़ की मदद से थोड़ा ऐसे प्रेस करके मुंह, मतलब वो लोग मुंह बहुत कस के बंद कर लेते हैं, तो मुंह पे थोड़ा सा किसी चीज़ की मदद से ऐसे प्रेस करने से वो मुंह ढक्कन की तरह ऐसे खुल जाएगा। तो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया है, तो इसी तरह आपको करना है बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारे क्रैब्स को हम क्लीन कर लेंगे, फिर हम साफ पानी से एक और बार क्लीन कर लेंगे, ऐसे अच्छे से धो लेंगे। तो इसी तरह हम एक एक करके सारे क्रैब्स को से क्लीन कर लेंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। देखिए ये कैसे भाग रहा है दोस्तों, अभी इसको सारे पैर तोड़ देंगे तो फिर भी आप देख सकते हो कैसे ये, मतलब अभी भी हिल रहा है। तो यहाँ हमने सारे क्रैब्स को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, अच्छे से धो लिया है। तो अभी हम चलेंगे कुकिंग के प्रोसेस पे। तो अभी हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इस तरफ हमने क्रैब्स को थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देकर हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो अभी हम क्रैब्स को फ्राई कर लेंगे। क्रैब्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसे दूसरे बोल पर ट्रांसफर कर लेंगे। दोबारा से हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालेंगे और हम कढ़ाई में दे देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा, और जीरा को थोड़ा चटकने देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज में हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए बस उतना ही फ्राई करना है। इसके साथ हम यहाँ पे ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेंगे। तो हमने इसमें डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर देके हमने थोड़ा सा पानी देके इसको मिला लिया है। तो अभी प्याज हमारे पक गए हैं, तो अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर और उसको भी अच्छे से पका लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से हमने पका लेना है। तो अभी हमने जो मसाला रेडी किया था हम वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं,
तो अभी हम इसमें फ्राई किए हुए क्रैब्स डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमने क्रैब्स के साथ मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी को अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे और इसको थोड़ा सा उबलने देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ये अच्छे से उबल गया है, तो अभी हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से पका है कि नहीं, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा क्रैब करी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।